अगर आपका बैंक अकाउंट किसी कोऑपरेटिव बैंक में है तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल बैंकों को पिछले कुछ सालों से रिजर्व बैंक की कड़ी कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। इसी का असर है कि आरबीआई ने कुछ बैंकों के लाइसेंस तक रद्द कर दिए हैं। इतना ही नहीं, कुछ बड़े बैंकों पर केंद्रीय बैंक ने भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। हालांकि रिजर्व बैंक की कार्यवाही में सबसे ज्यादा नुकसान का सामना अगर किसी को करना पड़ा है तो वो है कोऑपरेटिव बैंक्स। दरअसल आरबीआई की तरफ से 31 मार्च को 8 कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इन बैंकों को नियमों का पालन ना करने की वजह से रिजर्व बैंक ने 114 बार पेनाल्टी भी लगाई थी। आपको बता दें, कोऑपरेटिव बैंकों के जरिए ग्रामीण इलाकों में तेजी से बैंकिंग सर्विसेज का विस्तार हुआ है, लेकिन इन बैंकों में सामने आ रही अनियमितताओं के चलते आरबीआई को ये कठोर कदम उठाना पड़ा है। आपको बता दें, कोऑपरेटिव बैंक डबल रेगुलेशंस और कमजोर फाइनेंस के साथ साथ स्थानीय नेताओं के दखल का सामना कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने नियमों में लापरवाही बरतने वाले सहकारी बैंकों पर अब सख्ती करना शुरू कर दिया है। इसके चलते अब एक साल में 8 बैंकों के परमिट रद्द किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये बैंक्स कौन कौन से हैं और कहीं आपका पैसा इन बैंकों में तो नहीं जमा है। तो पहले नंबर पर है मुथोल कोऑपरेटिव बैंक, दूसरे नंबर पर है मिलत कोऑपरेटिव बैंक, तीसरे पर है श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक, चौथे नंबर पर है रूपी कोऑपरेटिव बैंक और पांचवें नंबर पर है डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसके साथ ही छठवें नंबर पर है लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, सातवें नंबर पर है सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक और आठवें स्थान पर है बाबा जी दाते महिला अर्बन बैंक। साथ ही आपको बता दें कि आरबीआई की तरफ से रद्द किए गए बैंकों के लाइसेंस अपर्याप्त पूंजी और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नियमों का पालन नहीं करने के कारण किया गया है। साथ ही भविष्य में इनकम की संभावना की कमी जैसे कारणों से भी इनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं। तो अगर आप भी कोऑपरेटिव बैंकों में अपना पैसा रखते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। अपने बैंक के बारे में पूरी जानकारी रखिए और समय समय पर केंद्रीय बैंक के नियमों पर भी नजर बनाए रखिए। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।